हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लाइटिक साइकिल के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइटिक साइकिल होती क्या है। लाइटिक साइकिल जो होती है वो एक साइकिल होती है किसकी, वायरल रिप्रोडक्शन की, जिसमें क्या होता है वायरस रेप्लिकेट करता है किसमें, बैक्टीरियल सेल में। इट इज़ अ साइकिल ऑफ वायरल रिप्रोडक्शन In which virus replicate, inside bacterium. Lytic cycle में क्या होता है, जो host cell जो होता है वो kill हो जाता है, होस्ट सेल गेट किल। ये साइकिल अलग होती है किससे, लाइसोजेनिक साइकिल से। लाइटिक साइकिल इज डिफरेंट फ्रॉम लाइसोजेनिक साइकिल। अब बात कर स्टेप्स इन लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में बेसिकली फाइव स्टेप होती है। पहली होती है हमारी अटैचमेंट, दूसरी होती है पेनिट्रेशन, तीसरी होती है बायोसिंथेसिस, चौथी होती है असेंबली, पांचवी होती है लाइसिस या फिर रिलीज। ये होती हैं पांच स्टेप किसमें, लाइटिक साइकिल में। अब इनको आप याद कैसे रख सकते हो, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है। आप बायो की असेंबली लाओ, इसे आप कैसे याद रख सकते हो। ए से हो गया अटैचमेंट, पी से हो गया पेनिट्रेशन, बायो से हो गया बायोसिंथेसिस, असेंबली से असेंबली हो गया, और लाओ से हो गया लाइसिस या फिर रिलीज। इससे आप इसकी पांच स्टेप्स को याद रख सकते हो। अब मैं आपको इनकी डिटेल में बताता हूँ कि इन स्टेप में होता क्या है। जैसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है अटैचमेंट, इस स्टेप में ये होता क्या है, इस स्टेप में क्या होता है वायरस फिजिकली अटैच होता है किससे, बैक्टीरियल सेल से। वायरस फिजिकली अटैचेस टू बैक्टीरियल सेल। अब वो इसमें अटैच कैसे होता है, मतलब क्यों बैक्टीरियल सेल से अटैच कैसे होता है, वो अटैच होता है टेल फाइबर की मदद से। टेल फाइबर क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट को वो सेल की, उसके बाद क्या करते हैं वहां के बाइंड कर जाते हैं। ठीक, एक बार जब वायरस अटैच हो जाता है बैक्टीरियल सेल में तो क्या कर लेता है, वो वीक बॉन्ड बना लेता है, क्रिएट अ वीक बॉन्ड। ये बात कर ली पहली स्टेप। अब बात करते हैं दूसरी स्टेप की, वो क्या है हमारी, वो है पेनिट्रेशन। अब बात करते हैं उसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन में क्या होता है, जब एक बार वायरस अटैच कर जाता है किससे, बैक्टीरियल सेल से, तो वो क्या करता है फिर एक एंजाइम को रिलीज करता है। एंजाइम रिलीज,
जिससे क्या होता है, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जिस वजह से क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, वो क्या कर जाता है, बैक्टीरिया सेल में एंटर कर जाता है। ये हो गई दूसरी स्टेप किसकी, लाइटिक साइकिल की। अब बात करते हैं तीसरी स्टेप के बारे में, जो कि है बायोसिंथेसिस। इस स्टेप में क्या होता है, वायरस डीएनए जो होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है किसमें, बैक्टीरिया सेल के डीएनए में, जिससे वो क्या कर सके, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। वायरस डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है किसमें, बैक्टीरियल सेल डीएनए में या फिर बैक्टीरियल डीएनए में, जिससे वो क्या कर सके, ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसी स्टेज में क्या होता है कि जो वायरल मटेरियल है उनका भी फॉर्मेशन होता है, मतलब वायरल कंपोनेंट का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कैप्सिड, टेल फाइबर, टेल। इस स्टेज में क्या होता है, जो वायरस होता है वो बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है किसके लिए, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। वायरस यूज बैक्टीरियल सेल न्यूक्लियोटाइड टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ये बात कर ली हमने तीसरी स्टेप की किसमें, लाइटिक साइकिल में। अब बात कर लेते हैं हम चौथी स्टेप की, उसमें क्या होता है, चौथी जो स्टेप होती है वो होती है असेंबली। इसमें क्या होता है, जो वायरल कंपोनेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया सेल में बनते हैं वो असेंबल्ड हो जाते हैं एक साथ, जिससे क्या बनता है, एक कंप्लीट वायरस बनता है। All the viral component जो कि बनते हैं बैक्टीरियल सेल में वो क्या होते हैं, एक साथ असेंबल हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स वायरस। ठीक, अब असेंबली होती कैसे है, असेंबली जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होस्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। वायरस जो होता है वो होस्ट मेटाबॉलिज्म को यूज करता है किसके लिए, सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए। लास्ट में क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल जो होता है वो फिल्ड होता है किससे, नए वायरस से। बाद में क्या होता है, वायरस जो होता है, वायरस बैक्टीरियल सेल, वायरस बैक्टीरियल सेल में भरे हुए होते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप की, जो कि हमारी कौन सी, रिलीज। ये हमारी लास्ट स्टेप है किसकी, लाइटिक साइकिल की। इसमें क्या होता है, वायरस जो होता है वो रिलीज होता है किसमें से, होस्ट सेल में से। वायरस रिलीजेज फ्रॉम होस्ट सेल। अब वो रिलीज कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो फैज होता है वो क्या करता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। वायरस और फैज कुछ भी कह सकते हैं हम, वो क्या करता है, रिलीज करता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं क्या, लाइसोजाइम, जिससे क्या होता है,
सेल वॉल ब्रेक हो जाती है और सारे फाज वायरस बाहर आ जाते हैं, फाज आउटसाइड द सेल। ये होती है इसकी लास्ट स्टेप। बाद में क्या करते हैं, ये जो सारे फाज होते हैं जो बनते हैं 100 से 200 नंबर में, वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं दूसरे होस्ट सेल को। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा कि कैसे ये स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी कौन सी, अटैचमेंट। ये हो गया हमारा फाज, ये जेनेटिविटी, ये हो गई हमारी अटैचमेंट। दूसरी है पेनिट्रेशन, ये हो गया पेनिट्रेशन। जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल में आ गया। तीसरी हमारी बायोसिंथेसिस, मतलब कि कैप्सिड बनती है, डीएनए बनता है, टेल फाइबर बनते हैं, ये होगी बायोसिंथेसिस। चौथी होती है हमारी क्या, असेंबली, मतलब सारे जो बारह कंपोनेंट हैं वो एक साथ असेंबल हो जाते हैं और ये बैक्टीरियल सेल को फिल कर लेते हैं अपने आप से, मतलब कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो फिल हो जाती है किससे, वायरस से। ये होगी हमारी असेंबली। अब लास्ट आती है हमारी पाँचवीं, लाइसिस। ये वायरस क्या करते हैं, एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है, हमारे जो सारे बैक्टीरियोफाज होते हैं वो सेल के बाहर आ जाते हैं। अब बाद में ये क्या करेंगे, दूसरे होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ये बात कर ली हमने लाइटिक साइकिल के बारे में। होपफुली आप लोगों को ये सारी स्टेप समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।